नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम टारगेट अकेडमी पर। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के आज के पढ़ेंगे। और दोस्तों, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, लर्न विद प्रैक्टिस एंड व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, और फेसबुक ग्रुप एग्जाम टारगेट अकेडमी से भी आप जुड़ सकते हैं। तो प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर वन, प्रसिद्ध रेसलर द ग्रेट खली निम्न में से किस राजनीतिक पार्टी में शामिल हो गए हैं? ऑप्शन ए भारतीय जनता पार्टी, ऑप्शन बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन सी बहुजन समाजवादी पार्टी, ऑप्शन डी आम आदमी पार्टी। तो इसका सही जवाब है भारतीय जनता पार्टी से वो हाल ही में जुड़े हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, पूर्व रेसलर द ग्रेट खली ने राजनीतिक पारी शुरू कर दी है। वे 10 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई है। खली हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी हैं। खली 7 फुट 1 इंच लंबे हैं। उन्होंने WWE के 7 फिल्मों में भी काम किया है। वे टीवी शो बिग बॉस में भी हिस्सा ले चुके हैं। WWE में जाने से पहले खली पंजाब पुलिस में ASI के पद पर कार्यरत थे। उन्होंने अमेरिका में 2021 के प्रतिष्ठित WWE हॉल ऑफ फेम क्लास में भी शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर दो, केंद्र सरकार ने हाल ही में विदेशों से किस चीज़ के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन ए विदेशी कपड़ा, ऑप्शन बी विदेशी साइकिल, ऑप्शन सी विदेशी ड्रोन, ऑप्शन डी विदेशी गन। तो इसका सही जवाब है विदेशी ड्रोन। केंद्र सरकार ने हाल ही में ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये प्रतिबंध 9 फरवरी 2022 से लागू हो गया है। इसका अर्थ यह हुआ है कि विदेश से ड्रोन नहीं खरीदे जाएंगे। हालांकि रिसर्च डेवलपमेंट डिफेंस और सुरक्षा के उद्देश्य से ड्रोन का आयात हो सकेगा। केंद्र सरकार का कहना है कि इससे देश में ही ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। क्वेश्चन नंबर तीन, हाल ही में IPL टीम पंजाब किंग्स के किस बैटिंग कोच ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? ऑप्शन ए वसीम जाफर, ऑप्शन बी आकाश चोपड़ा, ऑप्शन सी कपिल देव, ऑप्शन डी अनिल कुंबले। तो इसका सही जवाब है वसीम जाफर। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, IPL टीम पंजाब किंग्स के बैटिंग कोच वसीम जाफर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जाफर ने साल 2019 में पंजाब किंग्स के साथ करार किया था। मुख्य कोच अनिल कुंबले के नेतृत्व में वे टीम के बल्लेबाजों की मदद कर रहे थे। जाफर 2019 में 150 रणजी मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने थे। इसके बाद वे पंजाब की टीम से जुड़े थे। क्वेश्चन नंबर चार, टॉम की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक ट्रैफिक इंडेक्स 2021 में दुनिया के सबसे भीड़भाड़ वाले शहरों में निम्न में से किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए मास्को रूस, ऑप्शन बी इस्तांबुल तुर्की, ऑप्शन सी दिल्ली भारत, ऑप्शन डी बेंगलुरु भारत। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी इस्तांबुल, जो कि तुर्की में है। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 के अनुसार तुर्की का शहर इस्तांबुल मास्को को पछाड़कर सबसे अधिक भीड़ भाड़ वाला शहर बन गया है। इस सूची में रूस की राजधानी मॉस्को दूसरे पायदान पर है। मुंबई के अतिरिक्त बेंगलुरु 10वें स्थान पर, नई दिल्ली 11वें स्थान पर और पुणे 21वें स्थान पर काबिज है। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के मुताबिक 2021 में मुंबई भारत का सबसे अधिक और दुनिया का 5वां सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर रहा है। मुंबई में भीड़ भाड़ का स्तर 53% था। ये सूचकांक 6 महाद्वीपों के 58 देशों के 40 शहरों में यातायात की भीड़ को कवर करता है। क्वेश्चन नंबर पाँच, विश्व यूनानी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 जनवरी, ऑप्शन बी 12 अप्रैल, ऑप्शन सी 15 जुलाई, ऑप्शन डी 11 फरवरी। तो इसका सही जवाब है तो 11 फरवरी। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, विश्व यूनानी दिवस हर साल 11 फरवरी को एक प्रसिद्ध भारतीय यूनानी चिकित्सक हकीम अजमल खान की जयंती को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। दूसरा फैक्ट है, पहला यूनानी दिवस 2017 में सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिकल सेंट्रल
रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन हैदराबाद में मनाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य इसके निवारक और उपचारात्मक दृष्टिकोण के जरिए यूनानी चिकित्सा पद्धति की मदद के स्वास्थ्य देखभाल हेतु सेवा मुहैया कराने के बारे में जागरूकता फैलाना है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को 18वें माधव राय लिमये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी नितिन गडकरी, ऑप्शन डी अनुराग ठाकुर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी नितिन गडकरी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को पहली बार वर्ष 2021-2021 के कार्यक्रम खासदार दक्ष सांसद सदस्य की श्रेणी में 18वें स्वर्गीय माधव राय लिमये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार नासिक पब्लिक लाइब्रेरी सार्वजनिक वाचनालय द्वारा प्रदान किया जाएगा। यह पुरस्कार महाराष्ट्र के एक कुशल विधानसभा सदस्य कार्यक्षम आमदार को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने ई रूपी वाउचर के सीमा 10,000 से बढ़ाकर कितने रुपए कर दी है? ऑप्शन ए 50,000 रुपये, ऑप्शन बी 70,000 रुपये, ऑप्शन सी 2,00,000 रुपये और ऑप्शन डी 1,00,000 रुपये। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1,00,000 रुपये। भारतीय रिजर्व बैंक ने ई रूपी डिजिटल प्रीपेड वाउचर की सीमा को 10,000 से बढ़ाकर 1,00,000 रुपये करने का प्रस्ताव किया है। इंपोर्टेंट फैक्ट नंबर 2, RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति समिति के बैठक के निर्णय की घोषणा करते हुए ई रूपी वाउचर की लिमिट बढ़ाए जाने के साथ इनका एक बार से अधिक यूज करना भी किया भी जा सकता है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा विकसित ई रूपी वाउचर को अगस्त 2021 में लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, और अगर चैनल पर आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन प्रेस करें जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो चलिए, किसी राज्य सरकार ने प्री प्राइमरी एवं प्राइमरी छात्रों के लिए परे शिक्षालय नाम से ओपन रूम क्लास लॉन्च करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए बिहार सरकार ने, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल सरकार ने, ऑप्शन सी तमिलनाडु सरकार ने, यह ऑप्शन डी पंजाब सरकार ने। तो इसका सही जवाब क्या है? सही जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में भी कीजिए। तो इसका सही जवाब है पश्चिम बंगाल। फैक्ट्स पढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने प्री प्राइमरी एवं प्राइमरी छात्रों के लिए परे शिक्षालय नाम से ओपन रूम क्लास रूम लॉन्च करने की घोषणा की। इस योजना के तहत कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के छात्रों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है। यह कक्षाएँ जमीन पर संचालित की जाएंगी। प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को लाने के लिए ओपन रूम क्लास सबसे अच्छा तरीका है। यह सस्ता भी है और राज्य सरकार अपनी योजना को लागू करने हेतु पहले से ही विश्व बैंक और IMF से कर्ज ले रही है। तो ये थे आज के मेन पॉइंट्स और मेन क्वेश्चंस जो आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि आपके आने वाले एग्जाम UPSC लेखपाल, UPSC BDO और RRB ग्रुप डी, RRB NTPC, CVT 2 या SSC, CGL वगैरह में इस प्रकार के क्वेश्चन, और यहाँ तक कि UPPCS और या IAS की जो तैयारी कर रहे हैं, वीडियो के माध्यम से काफ़ी अच्छी नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।